स्वागत है दोस्तों आपका कंफ्यूजन 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के बारे में, और उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा आपसे डिस्कस भी कर लेंगे ताकि कोई भी उसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आप गलती ना करेंगे। तो चलिए, ये दृष्टि का है और यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज रामानुजन मशीन। तो रामानुजन मशीन क्यों है चर्चा में, इसके बारे में हम बात करते हैं। चर्चा में क्यों है? तो इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने भारतीय गणितज्ञ रामानुजन के नाम पर एक अवधारणा विकसित की है जिसे उन्होंने रामानुजन मशीन का नाम दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लिख के ले लीजिए कि ये एग्जाम में पूछेगा और पूछेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो इसके बारे में कुछ प्रमुख बिंदु है वो देख लीजिए। यह एक मशीन न होकर एक कलन विधि यानी कि एक एल्गोरिथम है जो गणित के किसी स्थिरांक के मान को क्रमागत भिन्न में परिवर्तित कर देता है। स्थिरांक मतलब कांस्टेंट के मान को, जैसे पाई हो गया, जी का वैल्यू हो गया, इसी तरह बहुत सारा चीज ऐसा है स्थिरांक है कांस्टेंट है उसके मान को क्रमागत भिन्न में परिवर्तित कर देती है जिसका मान उस स्थिरांक के बराबर होता है। उदाहरण के लिए यदि मशीन को पाई इनपुट दिया जाता है तो यह एक ऐसे श्रृंखला उत्पन्न करेगी जिसका मान पाई की ओर अग्रसर होगा। इस मशीन का उद्देश्य अनुमानों यानी कि कंजेक्टर्स को गणित के सूत्रों के रूप में स्थापित करना है ताकि भविष्य में उन्हें गणितीय रूप से प्रमाणित किया जा सके। सामान्यतः एल्गोरिथम में कोई इनपुट दिया जाता है और यह समाधान उपलब्ध कराता है, जबकि रामानुजन मशीन में इसकी विपरीत प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। अनुमान क्या होता है, कंजेक्टर्स क्या होते हैं, ये ऐसे गणितीय कथन हैं जो अभी तक प्रमाणित नहीं किए जा सके हैं। अब जैसे पाई का ही वैल्यू हो गया, हम लोग ले रहे हैं लेकिन उसे प्रमाणित नहीं किया गया है। अनुमान लगाया गया है कि हाँ पाई का ये वैल्यू हो सकता है लेकिन पूरी तरह से उसे प्रमाणित नहीं किया जा सका है। हालांकि गणित में नए अनुमान कंजेक्टर्स दुर्लभ हैं। यह मशीन भविष्य के गणितज्ञों को प्रेरित करने का कार्य करेगी। श्रीनिवास रामानुजन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और यहीं से एक इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन के संबंध में। तो सबसे पहले कुछ टॉपिक है, यह कलन विधि एल्गोरिथम रामानुजन के जीवन की उपलब्धियों को दर्शाती है। रामानुजन इंग्लैंड में प्रवास के दौरान रॉयल सोसाइटी के सदस्य बने और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के से रिसर्च में डिग्री प्राप्त की, यानी यहाँ कैम्ब्रिज से डिग्री प्राप्त की और रॉयल सोसाइटी के ये सदस्य बने थे। तो बीपीएससी के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। भारत में 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ से दो चीज निकल गया कि रामानुजन का जन्म किस दिन हुआ था, तो 22 दिसंबर, और उसी दिन को याद करते हुए इसी दिन की स्मृति में राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया गया। तो ये हो गया था, एक इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक हो गया। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। चलिए, और दूसरा जो है इम्पोर्टेंट वो है सोमालिया में पहला पर्यावरण पत्रकार नेटवर्क का स्थापना किया गया है, यानी शुरू किया गया है। तो ये पर्यावरण पत्रकार नेटवर्क क्या है और सोमालिया क्यों है चर्चा में? हाल ही में सोमालिया की मीडिया ने पर्यावरण पत्रकारों का पहला नेटवर्क शुरू किया है। प्रमुख बिंदु इसके हैं, सोमालिया के पर्यावरण पत्रकार नेटवर्क द सोमालिया एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट नेटवर्क SEJN का उद्देश्य देशों में पर्यावरण चुनौतियों पर मीडिया रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने के लिए पत्रकारों को एक साथ लाना है। यह शुरुआत देश के सभी पत्रकारों को एक साथ आने और उन्हें पर्यावरण संबंधी विषयों पर बात करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। पत्रकारों का यह नेटवर्क सोमालिया सरकार सहित निजी क्षेत्रों और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के सहयोग से कार्य करेगा। पत्रकारों का यह नेटवर्क पर्यावरण सतत विकास के मुद्दों पर चर्चा करने वाले सोमालिया के सभी पत्रकारों के लिए खुला है। गौरतलब है कि वनों की कटाई और भूमि क्षरण सोमालिया में प्रमुख पर्यावरण चुनौतियां हैं। सोमालिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। सोमालिया गणराज्य का गठन वर्ष 1960 में किया गया था। सोमालिया अफ्रीका के सबसे पूरब में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी का नाम मोगादिशु है। सोमालिया का प्रमुख धर्म इस्लाम है। सोमालिया के अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा कृषि पर आधारित है, परंतु पशुपालन वहां की प्रमुख आर्थिक गतिविधियां हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक था ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था,
और जो करंट अफेयर्स का जो टॉपिक मैंने बताया कि क्या है और कहाँ शुरू किया गया, क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला पहला पर्यावरण पत्रकार नेटवर्क कहाँ शुरू किया गया, इसका आंसर सोमालिया हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे आपका जो लास्ट में जो मैंने बताया था, तो देख लीजिए सोमालिया कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए इथोपिया है, केनिया है, ठीक है, यमन है, गल्फ ऑफ अदन है, अरबियन सी के पास है, तो यहाँ पे पूरा ये सोमालिया है। इंडियन ओशियन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे देखिए मोगादिशु इसका राजधानी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको फिगर भी समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे सोमालिया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये तो इम्पोर्टेंट है इसका। तो कैसा वीडियो लगा दोस्तों, क्या इस तरह का आप और भी वीडियो चाहते हैं टॉपिक वाइज, तो कृपया कमेंट करके बताएं। मैं हर दिन ऐसे ही वीडियो अपडेट करता रहूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।